नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने अगले ब्लॉग में, जो कि है, आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं, यह है ब्लॉग जो है यह है हार्मोनल डिसबैलेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर, जो कि जनरली हम इसको महिलाओं के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा जो पिछला ब्लॉग था वो बेसिकली पीसीओडी के ऊपर था, जो कि एक उन सारी हार्मोनल डिसबैलेंस की जो प्रॉब्लम्स थी, ये उनमें से एक प्रॉब्लम थी पीसीओडी, जो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में डिस्कस करा था। तो मेरा मन हुआ कि मुझे एक हार्मोनल डिसबैलेंस करके एक पूरा का पूरा एक टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, जो कि इन दिनों लगभग लगभग हर महिला की प्रॉब्लम है, जहां तक मैं समझता हूँ कि कोई भी महिला हार्मोनली कुछ ना कुछ से सफर ना कर रही हो, ऐसा बहुत कम होता है। तो दोस्तों, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये इन दिनों मानव जाति के अंदर, स्पेशली महिलाओं के अंदर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इसको हम हर एक एज ग्रुप में देख सकते हैं, महिला के लाइफ के हर एक पड़ाव में हमको ये हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आज की तारीख में इनफर्टिलिटी के केसेस सबसे ज्यादा हो रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूं कि कपल्स जो है वो मैरिड होते हैं और फिर वो कुछ समय के बाद, शादी के कुछ सालों के बाद, बच्चे के लिए प्रयास करते हैं, पर वो लोग विफल हो रहे हैं। और इसी के कारण से इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स और IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी, इनका जो ये जो एलोपैथी की फील्ड्स हैं, ये काफी फल फूल रही हैं आज की तारीख में। इसका जो मेन कारण है, इसका एक छोटे से एग्जांपल को से हम समझ सकते हैं कि मानव जाति के अंदर महिलाएं हार्मोनली कितनी वीक हो गई हैं। इसका एक एग्जांपल है कि अगर अब हम लोग हमारे ही परिवार में हमारे दादाजी का अगर रिकॉर्ड देखें, हमारे मतलब एक दो एंसेस्टर्स, हमारे एक दो पीढ़ी पीछे अगर हम चले जाएं, तो हम देखेंगे कि हमारे परिवार में हमारे दादी, हमारी नानी, ये लोग जो थी, इनकी पीढ़ी हार्मोनली बहुत साउंड हुआ करती थी। ये दो तीन बातों से पता चलता है। पहला कि उस जमाने के अंदर 7 से 8 या फिर मिनिमम 5 बच्चों का एक ट्रेंड हुआ करता है। मैं समझता हूं कि आप में से ज्यादातर व्यूअर्स अगर अपने माता पिता के बारे में और माता पिता के पहले अपने दादा दादी के खानदान में अगर अपन अपने दादा दादी की पीढ़ी तक जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पे मल्टीपल सिबलिंग्स का पैटर्न चलता था, 7, 8, 5, 4, 3 इस तरह से। वो महिलाएं हार्मोनली इतनी साउंड होती थी कि वो हर 2-3 साल के गैप पे दे आर केपेबल टू डिलीवर अ चाइल्ड विदाउट एनी हार्मोनल डिसबैलेंस। अब आप सपोज करिए ना कि जिस तरह से आज की महिलाओं को एक बच्चे के बाद थायराइड हो जाता है, ओवरवेट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो जाता है, तो क्या इन महिलाओं से एक बच्चे के बाद उम्मीद करी जा सकती है कि ये दूसरा डिलीवर कर देंगी? चलो उनने करा भी, उसके बाद तो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद है, क्योंकि या तो उनको थायराइड पकड़ लेगा या फिर उनको जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ, उसके बाद उनको वो डायबिटीज का उम्र ऑन एंड ऑफ करके परेशान करता रहेगा। तो ये बेसिक फर्क है कि जो पुराने लोग हुआ करते थे, वो लोग हार्मोनली, वो महिलाएं इतनी साउंड हुआ करती थी कि वो कई बच्चे डिलीवर कर देती थी। इन स्पाइट ऑफ दैट, दे डू नॉट हैव एनी हार्मोनल डिसबैलेंस और एनी हार्मोनल और एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम। बट इन नाउ अ डेज व्हाट वी आर सीइंग, भाई एक बच्चा पैदा करना मुश्किल हो रहा है लोगों को। मतलब एक बच्चा जो है ना, वो बामुश्किल पैदा कर पा रहे हैं लोग। ऐसा हम कितने सारे एग्जांपल अपने समाज में सुनते हैं कि भाई उनकी मैरिज हुई है एंड दे हैड राइट नाउ इन द 4th और 5th ईयर ऑफ देयर मैरिज एंड टिल नाउ दे आर ट्राइंग टू हैव अ बेबी, दे आर नॉट हैविंग दैट बेबी एट ऑल। तो ये जो अगर एग्जांपल हम लें कि कुछ पीढ़ी, कुछ वर्षों पहले का और आज का, तो इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि यार कुछ तो हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो महिलाओं के अंदर सीड अप हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो हार्मोनल डिसबैलेंस कई और तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में पीसीओडी के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, तो वो तो है ही। उसके अलावा महिलाओं के अंदर जिस तरह से थायराइड डिसफंक्शन आ रहा है, उससे हमको और इस बारे में पता चलता है कि कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, इट ऑल्सो इफेक्ट्स द केपेबिलिटी ऑफ फर्टाइलनेस इन द बॉडी।
कि अगर थायराइड, जैसे कि हम देखते हैं कि हम काफी सारे स्टेटमेंट्स, हमारे पास एक ओवरवेट महिला आई जो कि अपने 30s के अंदर चल रही है, शी इज ऑफ 29 30 31, देन शी इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड एंड ड्यू टू दैट थायराइड डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हर कि यू हैव टू फर्स्ट कंट्रोल यूर थायराइड एब्सोल्यूटली एंड देन आफ्टर यू कैन कंसीव। मतलब उसके पीछे कारण क्या दिया जा रहा है कि भाई आपको थायराइड है, आप ओवर वेट हो, आप किसी तरह से थायराइड को कंट्रोल करो, वेट रिड्यूस करो, तो आप बेबी को कंसीव कर पाएंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज द हार्मोनल डिसबैलेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसा कि, और ये हमने एक 30s की लेडी की बात की, अगर हम और छोटी लड़कियों की बात करें तो वो जो 17 18 19 20 साल की, 21 22 साल की लड़कियां हैं, उनको PCOD है, दे आर नॉट मेंस्ट्रुएटिंग राइट नाउ कंटिन्यूअसली, उनको उनका जो मेंसेस है उसके अंदर एक प्रकार का एमेनोरिया आ जाता है 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने के लिए। तो इन दैट केस दैट इज ऑल्सो येट अनादर एग्जाम्पल ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जो थायराइड है आज की तारीख में, क्योंकि पीसीओडी के बारे में मैं बात कर चुका हूं, जो थायराइड डिसऑर्डर है, मैं थायराइड पे एक स्पेशली अलग वीडियो भी बनाऊंगा, पर यहां पे मैं सिर्फ कवर करना चाहता हूं हार्मोनल इम्बैलेंसेस ओनली। अब जो तीसरे प्रकार का, अब हमने दो एज ग्रुप डिस्कस कर लिया, एक और चीज है, एक और जो छोटी लड़कियां हैं, मतलब मैं और छोटी बच्चियों के ऊपर जा रहा हूं, वो बच्चियां जो कि अपनी मेनार्की स्टार्ट होने वाली है जिनकी, वहां पे भी हम कई प्रॉब्लम देख रहे हैं कि उनकी मेनार्की 11 साल की उम्र में स्टार्ट हुई, पता चला वो कुछ महीने ही लगातार मेंस्ट्रुएट करा। ये एक नया पैटर्न है जो पिछले कुछ सालों से हमको देखने में आ रहा है। डॉक्टर साहब, इसका 6 महीने पहले पीरियड स्टार्ट हुआ था, पर सिंस देन शी हैड मेंस्ट्रुएटेड जस्ट फॉर द 6 or 7 टाइम्स एंड देन आफ्टर इट हैज बीन 2 years पास्ड कि शी हैजंट मेंस्ट्रुएटेड एट ऑल। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। देखिए, अब हार्मोनल इम्बैलेंस हमको कहाँ से मिल रहा है, जब एक बच्ची के अंदर मेनार्की की स्टार्ट हुई है तब से ये स्टार्ट होता है, वहाँ पे भी हमको ये देखने में मिल रहा है। जब वो बच्ची है, कोई और बच्ची जब मान लीजिए उसका स्टार्टिंग सही तरीके से हुआ और उसकी मेंस्ट्रुएटेड क्वाइट वेल फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर, पर उसके अंदर देन आफ्टर देयर इज द सीडिंग ऑफ द पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, फिर उसको एमेनोरिया हो रहा है 2 से 3 महीने 4 महीने का और वो वेट गेन करती जा रही है, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद हमने देखा कि अगर मान लो सब कुछ सही चल रहा था तो कपल whenever the couple get married and if they want to conceive a child then after they came to know कि they are infertile, ये भी केस, ये भी बहुत कॉमन सिनेरियो है समाज के अंदर कि भाई वो तो बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, इस गायनिक के पास, उस गायनिक के पास, फिर वो IVF ट्राई कर रहे हैं, जमाने भर के तरीकों को हथकंडों को अपनाते हैं उन बच्चों को। तो यहाँ पे भी हार्मोनल डिसबैलेंस दिख रहा है। हम जो थायराइड की बात कर रहे हैं, वो थायराइड जनरली, ये थायराइड का केस कहाँ पे हमको सुनने में आता है कि मैं जब पहली बार प्रेग्नेंट थी उसके एंड में मुझे थायराइड हो गया और तब से मुझे थायराइड है, अब मेरी जो बच्ची है, क्योंकि मेरे को बच्ची है, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, पर मेरी बच्ची जो है अब 4 साल की होने वाली है एंड राइट नाउ आई एम अनेबल टू गेट कंसीव ड्यू टू दिस थायराइड। तो ये थायराइड डिसफंक्शन जो है, ये भी इट इज येट अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। और इसके बाद अगर हम और आगे जाएं तो वेन एवर अ लेडी कम्स टू हर मेनोपॉजल एज, मेनोपॉज पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेनोपॉज इतना बड़ा टॉपिक है और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसके लिए वो एक अलग से वीडियो ही रिक्वायर्ड होगा। इनफैक्ट मैं थायराइड पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जब वो लेडी मेनोपॉजल एज में आती है तो उसका पीरियड शांति से बंद होने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि जो रिड्यूसिंग लेवल ऑफ हार्मोन, जो कि उसका पीरियड बंद होने के कारण हार्मोन का जो लेवल उसके ब्लड स्ट्रीम में कम हो रहा है, उसको उसकी बॉडी बहुत वियर्ड रिस्पॉन्स दे रही है। तो इनको जनरली HRT का ट्रीटमेंट देना पड़ता है या फिर इसको, तो ये मैं मित्रों में आपको बस ये आपके इस वीडियो के द्वारा, इसको मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए बस मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जितनी भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है एक महिला के अंदर, एक और जो प्रॉब्लम मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ आजकल की, अगर कुछ ना भी हो, सब कुछ रेगुलराइज हो रहा हो, तो महिलाएं क्योंकि आजकल कॉस्मेटोलॉजिकली बहुत जागरूक हैं, तो उनको जो फेशियल हेयर है वो बड़े परेशान कर रहे हैं। द कंडीशन विच इज नोन एज द हर्सुटिज्म। तो ये हर्सुटिज्म, दिस इज येट अनादर
प्रॉब्लम तो आप अब देख रहे हैं ना, हम लाइफ के हर पड़ाव के अंदर उसको देख रहे हैं, मेनार्की पे देख रहे हैं, उसकी किशोर अवस्था में देख रहे हैं, उसके कंसेप्शन के टाइम पे वो इनकंसीव कर कंसीव नहीं कर पा रही है वहां पे देख रहे हैं, वो एक कंसेप्शन के बाद दूसरा चाहती है पर थायराइड की वजह से नहीं कर पा रही है ना, उसके बाद उसको हम उसके अधेड़ एज के अंदर उसके अंदर एज ए हर्सुटिज्म देख रहे हैं, उसके अलावा उसको हम मेनोपॉज में भी देख रहे हैं कि वो पीरियड बंद होने को तैयार नहीं है, वो 15-15, 20-20 दिन मेट्रोरेजिया होता है, फिर वो 2-3 महीने का गैप लेता है, फिर वो उसी तरह से आ जाता है, उसके साथ तमाम क्लिमेक्टेरिक प्रॉब्लम से एक महिला ग्रस्त होती है जो जिसके अंदर हॉट फ्लशेस हैं, है ना, एकदम से गर्मी लगना, एकदम से ठंड लगना, ऑस्टियोपोरोसिस है, कार्डियक रिस्क जो बढ़ जाती है मेनोपॉज के बाद। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि किस तरह से मानव जाति के अंदर महिलाएं कमजोर हो गई हैं आज से 30-40 साल पहले की महिलाओं से अगर कंपेयर करें तो। तो इस वीडियो का बेसिक जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं पूरी के पूरे व्यूअर्स का ध्यान ले जाना चाहता हूँ इस तरफ कि ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस है ये आप सब लोग निरंतर अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, और इसका एकमात्र जो उपचार है, जो ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी से हो सकता है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।